अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास एट, आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर वन, ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट क्या चीज़ होती है? जब हम लोग किसी भी वैल्यू को कलेक्शन, उसको कलेक्शन में लिखते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंट जो है ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके एक जगह पे जमा कर लें, लेकिन वो सेम काइंड हो, तो उसको बोलते हैं सेट। सेट आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, सिंबल्स उसके क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होंगे तो कंप्लीट सेट नहीं कंसीडर होगा। जो ऑब्जेक्ट्स आप सेट्स में डालते हैं उसको एलिमेंट्स और मेंबर्स भी कहते हैं। अब मैथ्स में आपके पास डिफरेंट ये सेट्स हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, सेट ऑफ ऑल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, उसको W से डिनोट किया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स वी से डिनोट किया जाता है, और प्लस और माइनस दोनों में इसकी वैल्यूज होती हैं, और जीरो भी इंक्लूड होता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स टी से डिनोट किया जाता है, इसमें वो नंबर जाते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते, जैसे कि 2, 3, 5, 7। सेट ऑफ ऑड नंबर्स ऐसे नंबर जो प्लस माइनस में हों और 2 के टेबल पे ना जाते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि 0 भी आता है और 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। इसमें जो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, ये इंटीजर नंबर होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में आपके पास आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो सेट है उसको सबसेट्स में और पावर सेट्स वगैरह में लिखना सीखेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब आपके पास ये दो सेट्स हों, सेट ए एंड बी, और दोनों सेट के एक ए के जो सेट है ए, उसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में पाए जाएं, या एटलीस्ट वन एलिमेंट बी में ना पाया जाए, यानी कि अगर आपके पास दो सेट हैं ए इज इक्वल 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी इज इक्वल 1, 2, 3, 4, तो ये जो है ए सेट से बी तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, और बी में एटलीस्ट ऐसा एक नंबर ज़रूर होगा कि जो ए में नहीं पाया जाएगा। तो जब ए के एलिमेंट सारे बी में होंगे और बी में कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा तो उसको बोलेंगे ए सबसेट बी का। अगर इसी तरीके से बी में ए में होगा, बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे और ए में कोई एक्स्ट्रा नंबर होगा तो वो कहलाएगा हमारे पास जो है बी सबसेट ए। उसके बाद हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? अगर आपके पास टू सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, तो ए सबसेट बी तब होगा और बी सबसेट ए तब होगा पूरा कंप्लीट, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में और बी के सारे एलिमेंट्स ए में, तो वो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए कहलाएगा। ऑल एलिमेंट्स आपके जो हैं दोनों सेट्स में पाए जाएंगे एक्सेप्ट आर प्रॉपर सबसेट। इसी तरीके से आपके पास सिंगलटन सेट्स तो होंगे, इसमें डिफरेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। एवरी सेट जो इम्प्रॉपर सेट है वो इसका अपना सेट होगा, और इसके अलावा जो है नो प्रॉपर सबसेट इसमें होंगे, और इसके अलावा ओनली वन प्रॉपर सेट जरूर होगा किसका? सिंगलटन सेट का, यानी कि जो बिल्कुल सिंगल होगा, जैसे कि ए है। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट भी इसी तरीके से जो हम लोग लिखते हैं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव सबसेट आर गिवन ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, और उसको डिनोट किया जाता है पी ए, नाम दिया जाता है ये, जैसे कि नाम ए दे दें, बी दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आपके पास पावर सेट की डेफिनेशन आ गई, पावर सेट क्या चीज़ होता है। इसको शो इस तरीके से किया जाता है, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे होंगे कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपके पास जो एलिमेंट्स बनेंगे, जो सेट्स बनेंगे, वो 8 या 4 बनेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अपनी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, राइट द सबसेट ऑफ द सेट, ऑल प्रॉपर सेट ऑफ द सेट, और राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। सबसेट मीन छोटे छोटे पार्ट्स में अपने एक सेट को डिवाइड कर देना। अब आपके पास पार्ट नंबर 3 है, पहले दो पार्ट्स मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा दे देती हूँ।
अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का जो सेट होता है प्रॉपर सेट वो एक ही होता है, ये सब सेट एक ही होता है। और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या तो हम इस एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी सेट को शो कर दें, या एम्प्टी सेट को इस तरीके से फाइव के साथ डिनोट कर दें। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये सेट एक ही बनेगा। या आप इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, ये आपकी मर्जी। तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो ये बनेगा। इसी तरीके से अगर वन है तो पहला सेट एम्प्टी तो होना मस्ट है, उसके बाद वन आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी पार्ट इसके सॉल्व होने हैं। पार्ट नंबर थ्री पे आते हैं। पार्ट नंबर थ्री है ए बी। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स का मतलब है टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर। फोर सेट्स बनेंगे। पहला सेट मस्ट आपके पास एम्प्टी होगा, देन वन बाय वन हम लिखेंगे ए, देन उसके बाद बी, और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में राइट ऑल प्रॉपर सेट ऑफ द सेट्स। ए है एलिमेंट, जीरो वन है, और वन टू थ्री है। वन टू थ्री तीन एलिमेंट्स हैं, तो तीन एलिमेंट्स के कितने सेट्स बनेंगे, एट सेट्स बनेंगे, जो कि मैं अभी अगले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास राइट द पावर सेट, पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आप इसमें नेम दे सकते हैं और उसको पी से नोट करेंगे। पहले वाला ऐसे ही होगा सेम, मेथड सबके एक ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है पावर सेट में, सबसेट में, और प्रॉपर जो आपके पास प्रॉपर सेट में। प्रॉपर सेट और सबसेट एक ही चीज़ है। पावर सेट में आप लास्ट के और फर्स्ट के इसके स्टार्ट में ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो एट सेट हमें बनाने हैं तीन एलिमेंट्स के, वो कैसे बनेंगे। पहला सेट एम्प्टी, उसके स्टार्ट में ब्रैकेट लाजमी लगानी है और लास्ट पे भी लाजमी लगानी है। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट। अब क्या करना है, उसके बाद क्या काम है, ये एट कैसे बनेंगे, पेयरिंग करनी है ए बी की, फिर ए की सी के साथ, और बी और सी की, ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, और बी और सी को, जैसे कि ए बी, ए सी और बी सी। इसी तरीके से अगर आपके पास फोर एलिमेंट्स आते हैं तो आपने सबके पेयर्स बनाने हैं। फिर आप क्या करेंगे, अगर डी भी आ जाता है तो ए को बी से, फिर ए को सी से, ए को डी से, देन बी को सी से, बी को डी से, इसी तरीके से सी को डी से, और ये कंप्लीट आपने पेयर्स सबके बनाने हैं। उसके बाद लास्ट में आपने पूरे सेट को लाजमी लिखना है ए बी एंड सी, और आपके पास ब्रैकेट क्लोज, आपका सेट हो गया कंप्लीट। तो ये था क्लास आज हमारा सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट के बारे में लेक्चर। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ दोबारा से। आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ पावर सेट को, आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि पावर सेट है किसका है, ए का। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, लेट ए इज इक्वल। यहाँ पे आप पहले नेम देंगे, कोई भी नेम दे सकते हैं, लेट ए इज इक्वल दिस, कोई भी सेट का नाम दे सकते हैं ए बी सी। देन आप उसको नाम दे सकते हैं कि पी ए के पावर सेट है इसका, उसके अलावा हम ये नहीं कर सकते। लेट या फिर आप ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, लेट पी इज इक्वल दिस एंड पावर सेट इसका बना लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 1.2 होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। इसके क्विज बहुत ध्यान से सॉल्व करने और प्रैक्टिस भी करनी है एक्सरसाइज 1.1 की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।